हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से हमने कॉमन एरर के सीरीज को स्टार्ट किया है और हमारे जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसी से प्रेरित होकर के हमने आगे भी कॉमन एरर के सीरीज को कंटिन्यू करने का निश्चय किया है। बच्चों, आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में आपके लिए 20 कॉमन एरर्स हम लेकर आए हैं। ये 20 कॉमन एरर्स बहुत इजी नेचर के हैं, बहुत इजी नेचर के हैं। इसमें तो 20 में अगर आप 20 पाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, एकदम 20 में 20 पाया जा सकता है। आज के इस वीडियो सेशन में आप शुरू से अंत तक जितने भी कॉमन एरर्स हैं वो सभी को आप ट्राई करें और आप अपने लेवल को एक बार जांच कर ले, एक बार परख ले कि आपका अभी तैयारी का लेवल कैसा है। अगर आप 20 में अगर आप 16 कॉमन एरर या उससे अधिक ऊपर बनाते हैं तो आप वेरी बेस्ट के कैटेगरी में आते हैं मेरे नजर में, और यदि आप 10 के बिलो हैं, संख्या 10 को टच नहीं कर पाते या उससे अधिक को टच नहीं कर पाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एफर्ट को डबल करने की जरूरत है। ये कॉमन एरर्स ग्रामर के सभी टॉपिक से जुड़े हुए हैं, एक मिसलेनियस कॉमन एरर का सेट है और ये सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार बार पूछे जा चुके हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें क्योंकि वीडियो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके बाद वीडियो में दिए गए आंसर से आप अपने आंसर को मिलान कर लें और यदि आप संभव हो सके तो आप अपने स्कोर कार्ड को जरूर आप सेंड करें। चलिए, इससे हमें अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट काफी अच्छे कर रहे हैं। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अब हम लोग इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे क्या, ही इज अ स्कूल टीचर बट ऑल ही सन्स आर डॉक्टर्स। इसमें हमें एरर का चुनाव करना है कि किस हिस्से में गलत है, किस हिस्से में त्रुटि है। चलिए, एरर किस हिस्से में, ही इज अ स्कूल टीचर, अगर आपको गलत लगता है कि अगर इस खंड में गलत है तो आपका आंसर ये बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि ठीक है यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है, आप आगे बढ़िए। बट ऑल ही सन्स, अगर लगता है कि अगर इस पार्ट में कुछ उलट फेर है या आपको कुछ गलत लगता है तो आपका आंसर बी होगा। लेकिन अगर आप इसे भी संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि नहीं यहां भी सब कुछ ओके है, तो आप सी की ओर आगे बढ़ते हैं। आर डॉक्टर्स, अगर लगता है कि यहां पर कुछ गलत है तो आंसर सी होगा, और लगता है कि सारा कुछ ठीक ठाक है तो आंसर आपका डी होने वाला है, मतलब नो एरर, यानी कि वाक्य में कहीं भी त्रुटि नहीं है। बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। इसका कारण बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। देखिए, ही इज अ स्कूल टीचर लिखा हुआ है, कोई भी सिंगुलर नाउन जब भी आता है, कोई भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम जिस रूप में करें, अगर वो सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ ए एंड या कोई भी आर्टिकल शब्द जरूर लगेगा। मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि यहां पर होना चाहिए ही इज अ स्कूल टीचर होना चाहिए, ठीक है ना। हम किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम बिना आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिकल होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, या विशेष तौर पर द भी आ सकता है, यानी कि सिंगुलर नाउन कभी अकेले नहीं आता। यदि कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ कुछ ना कुछ आना चाहिए। यहां पर है ए पर्याप्त है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा राइट वन का राइट आंसर होगा वो ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, करे क्या, देयर ऑल बिलोंगिंग वर लॉस्ट, ठीक है ना, इन द फायर, उनके जितने भी सामान थे, ठीक है ना, वो आग में नष्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो भी सामान थे वो आग में नष्ट हो गए। इसमें आपको एरर चुनना है, बहुत आसान ये नेचर का ये सवाल है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस सेट में 20 में 20 पाया जा सकता है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अब यहाँ क्या कारण है, यहाँ किस वजह से ए में आपको मतलब गलत कहा गया कि ये पार्ट गलत है। देखिए, ऑल के साथ क्या नियम है, ऑल एक डिटर्मिनर है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, ऑल एक डिटर्मिनर है। यदि इसके साथ कोई और डिटर्मिनर का प्रयोग अगर होता है तो वो डिटर्मिनर ऑल के बाद जाना चाहिए, यानी कि ऑल खुद एक डिटर्मिनर है, लेकिन ऑल एक और डिटर्मिनर ले सकता है, लेकिन अपने पहले नहीं, ऑल के पहले हम डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे,
यदि हमें कोई दूसरे डिटरमिनर की आवश्यकता है तो वो ऑल के बाद जाएगा और इसके बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे। यहां पर इस पार्ट ए में क्या प्रॉब्लम है कि देयर एक डिटरमिनर है लेकिन ये ऑल के पहले आ गया है, जबकि रूल क्या कहता है कि ऑल अपने बाद डिटरमिनर लेता है, अपने पहले नहीं लेता है। इसका मतलब है कि हमारा करेक्शन कैसे होना चाहिए, ऑल देयर, हमारा करेक्शन, हमारा पार्ट ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारा टू का राइट आंसर ये होगा, ऑल देयर के जगह पर, सॉरी देयर ऑल के जगह पर ऑल देयर होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करे है क्या, ही हैज ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट आर कनेक्टेड विथ ड्रामा। चलिए एक बार सवाल को फिर से सुन लिया जाए। ही हैज ग्रेट फैसिनेशन, उसकी बहुत बड़ी चाहत है किस चीज के प्रति, तो हर चीज के प्रति जो कि ड्रामा से जुड़ा हुआ है। ही हैज ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट आर कनेक्टेड विथ ड्रामा। बच्चों आपने क्या आंसर किया है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है। अब इसका कारण क्या है, सी क्यों गलत है, थोड़ा इसको समझ लिया जाए। देखिए ईच और एवरी, ईच और एवरी, ठीक है ना, ईच और एवरी के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो नाउन सिंगुलर होता है, और जो उसके साथ वर्ब भी होता है ना वो वर्ब भी सिंगुलर होता है। मतलब ईच एवरी जब भी आता है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ, वो एंड से जुड़ा इसके बावजूद। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे जानते हैं कि दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लुरल होता है, ये एक बेसिक रूल है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लुरल होता है। लेकिन ये बात ईच एवरी पर लागू नहीं होती है। यदि ईच और एवरी एंड से भी जुड़े हों तो इसके साथ आने वाले जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर होने चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग दैट इज होना चाहिए। यहां आर के जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अतः हमारा थ्री का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर फोर की ओर। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, ऐसे राइटिंग एक आर्ट है दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, जिसमें कि राइटर के तरफ से काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे राइटिंग क्या है, एक कला है जो कि लेखक की तरफ से काफी प्लानिंग खोजता है, काफी प्लानिंग की उसे जरूरत पड़ती है। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट है, आप इसको आसानी से पिक कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा थिंक किया जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। वजह क्या है बी होने का, पहले प्लानिंग को देखते हैं कि प्लानिंग कौन सा नाउन है। तो प्लानिंग मतलब योजना है ना, प्लानिंग का मतलब योजना, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसको अगर ग्रामर के रूप में देखेंगे तो एक अनकाउंटेबल नाउन आपको ये दिखाई देगा। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होता है। यानी कि यहां पर मेनी के जगह पर क्या होना चाहिए, मेनी प्लानिंग गलत है, मेनी के जगह पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए, मच इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब कि फोर का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, फोर का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। आइएगा नंबर फाइव में। कह रहा है क्या, द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट्स बैक टू द मिडिल एज। एक बार बात को फिर से सुना जाए। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट्स बैक टू द मिडिल एज, यानी कि जो शहर का जो इतिहास है वो मध्यकालीन युग, मध्यकाल का वो मतलब मध्यकालीन युगीन वो है, आप ऐसा समझिए। बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, और वो एरर जो है ना वो सी है। सी क्यों है वो थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए यहां पर मिडिल एज, मिडिल एज का मतलब यहां पर मध्यकाल का समय है, मध्यकाल का समय है। तो जब एज का मतलब जब युग का सेंस निकलता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब एज से जब युग का सेंस निकलता, उम्र का नहीं, एज का मतलब तो उम्र होता है, ठीक है ना, यहां तो हम समझ में हमें आ रहा है। लेकिन जब एज शब्द से जब युग का बोध हो तो एज हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको एजेस लिखते हैं। मिडिल एज नहीं होता है, मिडिल एजेस होता है, मध्ययुगीन काल जो होते हैं ना वो मिडिल एजेस कहलाते हैं, मिडिल एज नहीं, मिडिल एजेस कहलाते हैं। यानी कि यहां पर एज के जगह पर एजेस की जरूरत है, अतः फाइव का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे क्या, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। इसमें हमें गलत पार्ट का चुनाव करना है। एक बार बात को फिर से, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। बच्चों इसमें जो एरर पार्ट है वो पार्ट बी है। अब इसका कारण समझ लिया जाए कि क्यों एरर बी को ठहराया गया है।
तो उसका कारण ये देखिए, क्राइटेरिया जो है ना, पहले आप ऐसा समझिए, पहले क्राइटेरियन लेके चलते हैं। क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड, क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड अथवा शर्त। मानदंड नहीं समझ में आता है तो शर्त समझिए, ओके। अब इसका जो प्लुरल होता है, ये सिंगुलर, अभी ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसका जो प्लुरल बनता है ना तो वो क्राइटेरिया बनता है, क्राइटेरियंस नहीं होता है। क्राइटेरियन का जो प्लुरल होगा वो क्राइटेरियंस नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्राइटेरियंस का जो प्लुरल होगा वो क्राइटेरिया होगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो क्राइटेरियंस दिया गया ये गलत दिया गया है। हमें जरूरत किस बात का है, हमें क्राइटेरिया कहने की जरूरत है, ठीक है ना। क्राइटेरिया का मतलब होता है मानदंड अथवा शर्त प्लुरल फॉर्म में, ओके। इसका मतलब है कि हमारा ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया होना चाहिए। इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते नंबर 7 की ओर, करके 3 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समन्स का मतलब कोर्ट का जो बुलावा होता है ना, उसको समन्स कहते हैं, ठीक है। 3 समन्स भेजा जा चुका है, बट ही हैज नॉट टर्नड अप येट, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, हाजिर नहीं हुआ है। बच्चों यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। अब सारे सवाल तो ऐसा नहीं है ना कि आप बैठे बैठे बना दीजिएगा, थोड़ा दिमाग को भी अप्लाई करना चाहिए। देखिए समन्स, भले एस जरूर लगा है, समन्स में एस जरूर लगा, लेकिन समन्स एक सिंगुलर नाउन है, मतलब कि न्यायालय का जो बुलावा होता है उसको समन्स कहते हैं। समन्स का अर्थ क्या होता है, न्यायालय का जो बुलावा पत्र होता है उसको समन्स कहते हैं। अब ये समन्स जो है वो सिंगुलर है, करेंगे थ्री। थ्री के बाद नाउन क्या होना चाहिए, थ्री के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, थ्री के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए। अब इसका मतलब कि समन्स ये प्लुरल फॉर्म में नहीं है, ऐसे दिखाई दे रहा है प्लुरल में, लेकिन ये प्लुरल नहीं है, ये सिंगुलर है। एस लगने के बावजूद ये सिंगुलर है, और इसका जब हमें प्लुरल बनाना है तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, समन्सेस, मतलब इसका जो प्लुरल होगा वो समन्सेस होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि थ्री के बाद हमें समन्सेस की जरूरत है। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 8 में, है क्या, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। एक बार बात को पुनः सुना जाए, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। इसमें क्या दिक्कत है, क्या हमें एरर खोजना है, थोड़ा सा इस बात को पहले समझ लिया जाए। देखिए बच्चों, ये बहुत फंटास्टिक ये क्वेश्चन है, फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। देखिए जब दो नाउन मिल करके, एक बेसिक रूल क्या है ग्रामर का, कि जब दो नाउन मिल करके एक ही बात बताए, मतलब दो नाउन से दो बात का बोध नहीं हो रहा है, दो नाउन से एक ही बात का बोध हो रहा है, तो वर्ब सिंगुलर होता है, वर्ब प्लुरल नहीं होता है। अब फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट एक ही चीज है जिसको कहा गया है फिफ्थ, पांचवा और अंतिम, वो एक ही एक्ट के लिए कहा गया है कि पांचवा है और अंतिम है, यानी कि चीज तो एक ही है, चीज दो नहीं है, उसको जोरदार बनाने के लिए कह दिया गया पांचवा और अंतिम। तो यहां पर जो कंटेन, जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है ना, वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और किसी वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस लगा देने से वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, नाउन के उल्टा। नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो आमतौर पर नाउन क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर कंटेन के अंदर एस होना चाहिए, वर्ब को सिंगुलर बनाना है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, करे क्या, 2 lakhs ऑफ पीपल है ना अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन पैरेड ग्राउंड्स। एक बार सवाल को पुनः सुना जाए, करे क्या, 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन पैरेड ग्राउंड, यानी कि 2 lakh लोग शामिल हुए थे पैरेड ग्राउंड के, है ना, जहां पर मीटिंग हुआ था उसमें 2 lakh लोग शामिल हुए थे। बच्चों ये नाउन का एक बहुत बेसिक रूल क्या कहता है कि देखिए, अगर नाउन के साथ यदि कोई नंबर जोड़ा गया हो, खासतौर पर लाख, उसको लाख कहिए या उसको मिलियन भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप 1000 की ओर आ जाते हैं, ठीक है, या हम 100 की ओर आ जाते हैं। एक बेसिक रूल है, मैं बेसिक रूल के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यदि इसके साथ कोई नंबर है 2, 4, 10, 20 कोई नंबर है, तो इसके बाद ऑफ नहीं आता है, इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ऑफ के साथ नंबर नहीं होता है, और जहां नंबर है वहां पर ऑफ नहीं। इसका ध्यान दिया जाए, नंबर के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पहले समझना है। अगर हमको अगर नंबर रखना है तो ऑफ को हटाना होगा, या अगर हम ऑफ को रखना चाहते तो हमें नंबर को हटाना होगा, तो नंबर हटेगा थोड़े, नंबर तो फैक्ट है,
नंबर नहीं हटेगा, हटेगा ऑफ हटेगा, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ नंबर दिया गया है, राइट आंसर इसका ए होगा, यहाँ नंबर दिया गया है, नंबर के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे, 2 लाख पीपल लिखेंगे, इसका करेक्शन कैसे लिखेंगे, 2 लाख पीपल लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 9 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 10 की ओर, कह रहे ओह फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन एंड गो अवे फ्रॉम हियर, एक बार सवाल को पुनः सुना जाए, कह रहे ओह फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन एंड गो अवे फ्रॉम हियर, कह रहे क्या कि भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से, है ना, भगवान के लिए है ना, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो एंड गो अवे फ्रॉम हियर, और यहां से चले जाओ। देखिए भगवान के लिए का क्या कहा गया है, भगवान के लिए, प्लीज को समझा जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गॉड के ऊपर एपोस्ट्रोफ, का अंग्रेजी कुछ तो चाहिए ना, तो गॉड से सेक होता है, गॉड सेक नहीं होता है, गॉड सेक नहीं होता, क्या होना चाहिए, गॉड से सेक होना चाहिए, इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आइएगा नंबर 11 में, नंबर 11 क्या एरर कह रहा है, सिंस द रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर लिमिटेड, एक बार बात को फिर से सुना जाए, सिंस द रिजर्वायर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर लिमिटेड वी हैव टू लुक फॉर अदर एनर्जी है ना सोर्सेस, एक बार सवाल को पुनः समझा जाए, कह रहे सिंस द रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर लिमिटेड, मतलब ऑयल और जो प्राकृतिक गैस है उसके जो भंडार है वो सीमित है, अब हमें दूसरे एनर्जी के स्रोत की ओर देखना होगा, जाना होगा। बच्चों इसमें बहुत ही टेक्निकल एरर है, एरर क्या है, देखिए भंडार कहना है ना, ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्वायर नहीं होता, रिजर्व्स होता है ना, रिजर्व्स होता है, इस भंडार का अंग्रेजी जो होता है ना वो रिजर्व्स होता है, रिजर्वायर नहीं होता है, आप ऐसा समझिए, अगर आपको बताना है कि तेल का भंडार, प्राकृतिक गैस का भंडार, कोयला का भंडार, सोना का भंडार, तो रिजर्व होता है, ठीक है ना, आपने कभी सुना होगा गोल्ड रिजर्व, कोल रिजर्व, आपने सुना होगा ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जलाशय होता है, ये तो अलग चीज है, ये तो यहाँ पर जलाशय का सेंस है, रिजर्वायर का मतलब जहां पर पानी इकट्ठा होता है बड़े बड़े पॉन्ड में, बड़े बड़े स्पेस में, हम उसको रिजर्वायर कहते हैं, वो जलाशय होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिजर्वायर के जगह पर क्या होना चाहिए, रिजर्व्स होना चाहिए, भंडार, रिजर्व्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा भंडार, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर हमारा सॉरी 11 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए आते नंबर 12 में, कह रहा है कि माय ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, एक बार सवाल को पुनः सुना जाए, कह रहा है कि माय ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें गलत पार्ट को ट्रेस करना है कि कौन सा पार्ट गलत है, देखिए इसका मतलब है कि मेरा भाई है ना कर रहा है और किया है, क्या किया है ना, एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, अपने संस्था के लिए बढ़िया काम किया है और कर रहा है, हिंदी क्या निकलेगा, माय ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग है ना, मतलब किया है और कर रहा है, क्या कर रहा है, शानदार काम कर रहा है संस्था के लिए। बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर दो ऑक्सिलरी वर्ब है, पहले बेसिक चीज को पहले समझते हैं, दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो दो मेन वर्ब होना चाहिए, तो ईच के अनुसार यहां पर डूइंग है तो इसका मतलब है कि हैज के अनुसार यहां पर डन होना चाहिए ना, मतलब किया है और कर रहा है, देखिए है यहाँ पर बेसिक बात क्या है, दो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज है और हैज है, अब इज के अनुसार डूइंग दे दिया गया है, इज के अनुसार बिफोर होगा ये तो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो हैज लिख दिया गया है तो हैज के अनुसार क्या होना चाहिए, बी3 होना चाहिए ना, तो डन होना चाहिए, यानी कि हमारा पूरा करेक्शन किस प्रकार से होगा, माय ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग, इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा, हैज के बाद हमें उसमें डन भरने की जरूरत है। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, सवाल को एक बार ध्यान से सुना जाए, द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट शाउट एट मिनिस्टर्स एज इफ ही मेक्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, बात को पुनः सुना जाए, द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, शाउट एट मिनिस्टर्स, वो मंत्री पर चिल्लाते हैं, As if he makes a wrong statement, मानो कि उसने कोई गलत बयान दे दिया हो। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए।
मानो देखिए एज इफ के बाद, थोड़ा ध्यान दीजिए, एज इफ के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो वी टू रूप में होता है। एज इफ के बाद वी वन का, अगर आप हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, आप काल्पनिक कोई बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर एज इफ के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो वी टू रूप में होता है। यानी कि एज इफ के बाद यहाँ पर मेक्स की जगह पर मेड होना चाहिए, वी टू इसका क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर 13 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 14 में, करेक्ट, ही इंक्वायर्ड हैड वी टेकन आवर फूड, है ना, ही इंक्वायर्ड हैड वी टेकन आवर फूड, उसने पूछा कि क्या हम लोगों ने अपना खाना ले लिया है, कर लिया है। देखिए ही इंक्वायर्ड, है ना, इफ या वेदर का प्रयोग, हाँ या ना, हाँ या ना, आप ऐसे समझिए, है ना, हाँ या जो ना का जो प्रश्न होता है ना वो इफ या वेदर से बनता है। यानी कि इंक्वायर्ड वेदर वी हैड, अच्छा इसमें भी क्या है, देखिए ये सेंटेंस में फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि ऑक्सिलरी जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ही ना होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जब वाक अफर्मेटिव बन जाता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब इसको अफर्मेटिव, यहां आप कहिएगा सर ये इसी को क्वेश्चन क्यों नहीं बना दे, नहीं, पंक्चुएशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जाना चाहिए। तो लाइन कैसे बनेगा, ही इंक्वायर्ड, है ना, यहाँ पर आप वेदर लगा दीजिए, पूरा लाइन कैसे बनेगा, ही इंक्वायर्ड, ठीक है ना, वेदर, ठीक है ना, सॉरी, इंक्वायर्ड वेदर वी हैड, है ना, जो हैड होगा वो बाद में चला जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा ही इंक्वायर्ड वेदर, इंक्वायर्ड वेदर, यहाँ पर वेदर करेंगे और इसको चेंज कर देंगे, वेदर करेंगे और हैड भी, यानी कि यहां तक तो ठीक है, ही इंक्वायर्ड, अब वेदर पार्ट इसमें लगाएंगे, क्योंकि जब इसमें लगेगा तो तभी ना ये चेंज होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ रख देते हैं तो फिर हैड तो बाहर ही रह जाएगा, तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें पार्ट बी की ओर जाना चाहिए, यानी कि 14 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है ना, 14 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 15 में, चलिए कह रहा है क्या, दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस ओनली, ये पेंट को केवल चिकने क्लीन सरफेस, साफ सुथरे जगह सरफेस पर लगाना है, करेक्ट, दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस ओनली, इसमें गलत क्या है। बच्चों देखिए, अगर आप कोई पेंट, कोई वार्निश, किसी तरह का चीज किसी सरफेस पर अगर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का नहीं, ठीक है, तो करेक्शन कैसे होगा, दिस पेंट शुड बी अप्लाइड टू, यहां पर ऑन की जगह पर क्या जाएगा, टू क्लीन सरफेसेस ओनली, यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं नंबर 16 की ओर, करेक्ट, क्या, इट इज नो गुड टू हैव अ पियानो इफ नोबडी कैन प्ले इट, पियानो रखने का क्या फायदा, क्योंकि पियानो चला ही नहीं सकता, बजा ही नहीं सकता, पियानो रखने का क्या फायदा है, करेक्ट, इट इज नो गुड टू हैव अ पियानो इफ नोबडी कैन प्ले इट। देखिए बच्चों, इसमें एरर पार्ट क्या है, इसमें एरर पार्ट बी होना चाहिए। अब इसका क्या कारण है, बी के एरर पार्ट होने के क्या कारण है, देखा जाए इसको, देखिए एक फ्रेज है, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, तो एक ले लेते हैं इट इज नो गुड, ठीक है, ओके, अब वो कहता है क्या, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक्सप्रेशन कहेंगे, इट इज नो गुड को क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि इसके बाद आने वाला वर्ब बिफोर रूप में होना चाहिए, यानी कि हमारा वाक इस प्रकार होना चाहिए, इट इज नो गुड, यहां से टू खत्म हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा, बिफोर, बिफोर के साथ टू नहीं लगता है, ठीक है ना, इट इज नो गुड हैविंग हो जाएगा, यहां हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, हैव के जगह पर हैविंग होना चाहिए, हैविंग ए पियानो, यानी कि 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। आइएगा नंबर 17 में, करें क्या, देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एलिमिनेट टेररिज्म, करेक्ट, देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एलिमिनेट टेररिज्म, यानी कि वैश्विक आतंकवाद को खत्म करने के लिए, सॉरी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो पार्ट बी है, वजह क्या है, नीड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं, नीड के साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करेंगे, है ना, आमतौर पर देखिए, आमतौर पर नीड के साथ हम फोर लगाते हैं, लेकिन नीड के साथ एक प्रीपोजिशन ऑफ भी लगता है, कब लगता है, जब ये नीड के पहले बी होगा तब जाके इन होगा, इस तरह से बी इन नीड ऑफ, है ना, जैसे कि मुझे पैसे की जरूरत है, कैसे लिखूंगा, आई एम इन
नीड ऑफ मनी, देखिए ये पहले समझने की कोशिश कीजिए, आई एम इन नीड ऑफ मनी। अब ये नीड के साथ ऑफ कब लगा है, जब नीड के पहले बी फॉर्म है तब लगा है, ऐसे थोड़े लगा है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर कहिए सर बी तो है लेकिन इन नहीं ना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बी के बाद इन होना चाहिए, देखिए बी के बाद इन होना चाहिए, तो है तो नहीं, बी तो ठीक है बी है लेकिन यहां पर इन नहीं है तो स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि नीड के साथ प्रीपोजिशन हम फोर का इस्तेमाल करेंगे जो कि आमतौर पर होता है, ठीक है, यानी कि 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 18, कह रहा है द फैमिली हैड ग्रेट डिफिकल्टी टू गेट हर ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल, द फैमिली हैड ग्रेट डिफिकल्टी टू गेट हर ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल। इसमें क्या गलत है बच्चों, इसमें जो गलत है ना वो इस तरह से है, देखिए एक स्ट्रक्चर हैव डिफिकल्टी, हैव डिफिकल्टी, ठीक है ना, अब प्लस बी फोर, हैव डिफिकल्टी प्लस बी फोर, या इन लगा सकते हैं, इनको छोड़ भी सकते हैं, है ना, केवल ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए ना, बहुत ज्यादा हॉच पॉच मत किया जाए, है ना, हैव डिफिकल्टी के बाद बी फोर, यानी कि हमारा लाइन कैसा होना चाहिए, द फैमिली हैड ग्रेट डिफिकल्टी गेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं गेटिंग, या आप ऐसे इन गेटिंग भी लिख सकते हैं, आप बोथ आर ओके, आप यहाँ इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एकदम सही है, इन गलत नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा पार्ट क्या हम साथ सुधार कर रहे हैं, गेटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि 18 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। आइएगा नंबर 19 में, कह रहे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रूव्ड द बेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बार सवाल को पुनः सुना जाए, कह रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड द बेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो आपका बेस है, बेस के जगह पर बेसिस होना चाहिए, है ना, आधार, है ना, बेसिस का मतलब आधार, न्यू, यहां पर बेस के जगह पर बेसिस इस्तेमाल होना चाहिए। 19 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आएगा 20 में, पर एक लर्निंग फ्रॉम हिज फेलियर, है ना, ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड नॉट फेल अगेन। एक बार सवाल को पुनः सुना जाए, लर्निंग फ्रॉम हिज फेलियर, अपने असफलता से सीखते हुए, अपने असफलता से सीखते हुए, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ा मेहनत कर रहा है, ना, लेस्ट ही शुड नॉट फेल अगेन, ताकि वो पुनः फेल ना हो जाए। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो आपका सी है, वो सी क्यों है इसको पहले समझ लिया जाए। लिस्ट वाले वाक्यों में ना नॉट नहीं लगता है, जिस वाक्य में लिस्ट होता है ना उसमें नॉट, लिस्ट के अंदर खुद नहीं का बात है, ताकि नहीं, लिस्ट मतलब होता है ताकि नहीं, नहीं इसमें खुद है, अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो लिस्ट ही शुड फेल अगेन ये होना चाहिए, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा सी होगा। बच्चों आपके इस मिनी टेस्ट में ये टोटल 20 कॉमन एरर्स रहा, आपका क्या स्कोर कार्ड है आप हमें जरूर इंटीमेट उससे कराएं, जरूर भेजें, ताकि हम देखें कि क्या क्या समस्याएं अभी आ रही हैं और उसको किस प्रकार से उसका निदान किया जा सकता है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।